वेलकम टू सोशल स्कूल मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि अरे यार एक मिनट हाँ तो आई ऑल्सो होप कि सारे बच्चे रेडी हैं आज के सेशन के लिए आगे बढ़ने से पहले जिसने भी ज्वाइन कर लिया सेशन को जल्दी से कॉमेंट सेक्शन भर दो हाई हेलो गुड मॉर्निंग जो मर्जी लिखो मुझे आइडिया लग जाए हमारे बच्चे आ गए हैं क्लास में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को लाइबा हाय कैसे हो आप ट्यूबा हाय आरती हेलो विशाल हाय यश गुड मॉर्निंग हेमा हाय कैसे हो आप रेखा गुड मॉर्निंग शिवांगी हाय ध्रुव हाय प्रगति रेहाम गुड मॉर्निंग यश हाय आशीष हाय इंद्रा श्रेयांशी हेलो ओके जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं चिराग आस्था दिया प्रीति हेलो भाविका हाँ नमस्ते नमस्ते कौन हाँ ठाकुर यार नमस्ते विदिशा गुड मॉर्निंग मुस्कान हाय भाविका गुड मॉर्निंग अनवेश हाय कैसे हो अन्वेषा आप ठीक है तो काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है ओके आगे बढ़ने से पहले एक बार सेशन को जल्दी जल्दी शेयर कर दो ठीक है अपने सारे ह्यूमैनिटीज के क्लासमेट्स को यहाँ पर ले आओ फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट नोट्स हाँ आज मैं पक्का भेज दूंगी नोट्स ठीक है इस क्लास के खत्म होते ही मैं तुम्हें सारे नोट्स भेज दूंगी ओके क्यूटी हाय प्रगति गुड मॉर्निंग अन्वेषा मैं भी ठीक हूं थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग अच्छा हाँ आशा आशा यार मुझे नाम मतलब थोड़ा टाइम लग जाएगा याद करने में बट हाँ ऐसे बार बार मुझे याद दिलाते रहना स्नेहा हाय कैसे हो आप गुड मॉर्निंग चलो ओके तो अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यार कि आज के क्लास में हमें क्या करना है ठीक है तो हम लोग बेसिकली अपने सेकेंड बुक को स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री के सेकेंड बुक को फर्स्ट बुक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अगर फर्स्ट बुक में किसी भी चैप्टर में तुम्हें दिक्कत है तो इसी चैनल पर तुम्हें हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो मिल जाएगा फुल चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा तुम लोग वहां से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो आज हम लोग सेकेंड बुक को स्टार्ट करने वाले हैं एंड हमारे चैप्टर का नाम है थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टाइम टेबल बता देती हूँ तो बेसिकली जब तक अभी तुम्हारा हिस्ट्री का एग्जाम नहीं हो जाता दो टाइमिंग्स हैं जिन पर मैं लाइव आऊंगी इस चैनल पर एंड तुम्हें ये टाइमिंग्स याद कर लेनी है रट लो अलार्म लगाओ रिमाइंडर लगाओ जो मर्जी करो पर ये टाइमिंग्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो हमारी सुबह ग्यारह बजे क्लास होती है है ना इसके अलावा शाम को छह बजे क्लास होगी ठीक है तो आज ये ग्यारह बजे वाली क्लास तो चल ही रही है इसके अलावा मैं आज शाम को छह बजे और लाइव आऊंगी एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे सेकेंड चैप्टर सेकेंड बुक के सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे ठीक है तो मतलब ओवरऑल तुम्हारा वो होगा सिक्स्थ चैप्टर तो ये दो टाइमिंग्स तुम्हें याद रखनी है ठीक है आप वापस आते हैं थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स इस चैप्टर का मैं तुम्हें एक बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ फिर हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में तुम्हें बेसिकली हिस्ट्री में कुछ ट्रैवलर्स के बारे में बताया जाएगा जो लोग इंडिया में आए जिन्होंने इंडिया के बारे में कुछ कुछ लिखा तो उनके नजरिए से हम लोग इंडिया को समझने की कोशिश करेंगे ठीक है ट्रैवलर्स का परस्पेक्टिव ट्रैवलर्स का नजरिया तुम्हें इस चैप्टर में समझाया जा रहा है इसलिए ऐसे लिखा है थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स हम उनके नजरिए से हिस्ट्री को समझने वाले हैं ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले अगर सारे बच्चे रेडी हैं आज के क्लास के लिए जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी भेज दो फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट रुद्र जैसे ही आएगा आपको पता लग जाएगा हम लोग इस चैनल पर आपको बता देंगे ठीक है नैतिक हाई कैसे हो आप लाइबा हेलो बुक वन का मैराथन होगा ठीक है एग्जैक्टली कब होगा मैं आपको बता दूंगी ठीक है बुक वन बुक टू सारे आ, बुक्स का मैराथन होगा पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो उसके बाद हम लोग जो तुम्हारे एंड के रिविजन वाले दिन होंगे उन दिनों में हम मैराथन ही करेंगे हाँ चलो तो यशवर्धन हेलो कैसे हो आप मैम क्लास जो नया सेशन स्टार्ट होगा उसमें मैं क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ को पढ़ाऊंगी टेंशन नहीं लेना चलो ओके यार काफी सारे फायरिंग इमोजीज दिख रहे हैं मुझे फ्लमिंगो हैलो नैतिक मैं ठीक हूं यार थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग ठीक है अच्छा या तो आशा बोलो या फिर गुड़िया बोलो ठीक है मुझे जो याद रहेगा मैं वो बोलूंगी ठीक है चलो तो यार आगे बढ़ते हैं चैप्टर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं ओके तो बहुत पहले के टाइम पे हमारे हिस्ट्री में विमेन भी ट्रैवल करते थे मेन भी ट्रैवल करते थे एंड ये लोग अलग अलग कारण के वजह से ट्रैवल करते थे कई बार ये लोग काम की वजह से ट्रैवल करते थे इन्हें नौकरी चाहिए होती थी कई बार ये लोग जिस इलाके में रहते थे वहां पे नेचुरल डिजास्टर आ जाता था तो इस वजह से इन्हें कहीं और जाना पड़ता था कई बार ये लोग ट्रेडर्स हुआ करते थे तो ट्रेडिंग के लिए बिजनेस के लिए ये लोग ट्रैवल करते थे कई बार ये लोग सोल्जर्स हुआ करते थे तो वॉर वगैरह के लिए बैटल्स के लिए ये लोग ट्रैवल करते थे प्रीस्ट एंड फिलग्रम्स ठीक है रिलीजियस रीजन के वजह से कोई मंदिर देखने के लिए या कोई और स्ट्रक्चर देखने के लिए रिलीजियस रीजन्स के लिए भी ये लोग ट्रैवल करते थे कई बार ऐसा भी होता होगा कि ये लोग सिर्फ एडवेंचर के लिए ऐसे ही मस्ती के लिए एडवेंचर के लिए भी ये लोग ट्रैवल करते होंगे अब जो भी लोग किसी नए एरिया में जाते थे इनमें से कुछ लोग क्या करते थे नए एरिया को देखने के बाद उस एरिया के बारे में कुछ कुछ लिख देते थे ठीक है तो ऐसा हमारे इंडिया में भी हुआ कि कुछ लोग आए हमारे इंडिया में ट्रैवल करते हुए उन्होंने इंडिया में कुछ देखा एंड इंडिया के बारे में कुछ कुछ लिखा ठीक है तो उन्हीं कुछ चीजों के बारे में तुम इस चैप्टर में पढ़ोगे अनफॉर्चुनेटली हमें मेन के बारे में तो काफी कुछ पता है ठीक है जो भी मेन ट्रैवल कर रहे थे उनके बारे में हमें काफी कुछ पता है विमेन के बारे में हमें बिल्कुल उतना आइडिया नहीं है हमें ये तो पता है कि वुमेन ट्रैवल तो करती थी ठीक है पर उनका कोई रिटर्न अकाउंट ये सारी चीजें हमारे पास ज्यादा नहीं है ठीक है तो मेन ने जितने भी अकाउंट्स लिखे ना ठीक है जो अलग अलग मैन जो ट्रैवल करते थे उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखे उनमें अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन होता कुछ लोग कोर्ट कोर्ट के के बारे में में लिखते थे कि राजा के में क्या क्या चलता है कुछ लोग रिलीजियस चीजों के बारे में लिखते थे कि अलग अलग एरिया में क्या रिलीजन होता है कुछ लोग आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग्स के बारे में मॉन्यूमेंट्स के बारे में लिखते थे तो अलग अलग लोग अलग अलग टॉपिक्स के बारे में लिखते थे कभी कभी ऐसा भी होता था हमेशा ट्रैवलिंग सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि लोग बहुत दूर दूर अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करते होंगे पर कभी कभी ऐसा होता था कि लोग अपने ही इलाके में एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल करते थे एंड उसके बारे में भी लिखते थे ठीक है जैसा हमने देखा है कि कई बार लोग मुगल साम्राज्य के अंदर ही इधर उधर ट्रैवल करने के बाद अपने ऑब्जर्वेशन को लिखते थे इस चैप्टर में हम लोग तीन ट्रैवलर्स के ऊपर फोकस करेंगे ठीक है तीन मेन ट्रेवलर हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक है अल बिरूनी जो कि उस बेकिस्तान से आए थे ठीक है है सेंचुरी की बात हो रही है। एक हम इनके बारे में पढ़ेंगे सेकेंड कौन है इबन बतूता जो कि मोरक्को से आए थे ठीक है नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका फोर्टीन सेंचुरी की बात हो रही है एंड तीसरे हमारे ट्रैवलर कौन है ये एक फ्रेंच पर्सन थे इनका नाम था फ्रेंकोइ बर्नियर सेवनटीन सेंचुरी के अराउंड की बात हो रही है ठीक है तो इन तीनों के बारे में हमें इन डिटेल इस चैप्टर में पढ़ना है शुरुआत करते हैं अल बिरूनी से ठीक है पहले पहले चैप्टर में क्या है इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा, थोड़ा तुम्हें इंट्रोडक्शन दे रखा है फिर तुम्हें आगे जाके इन तीनों के बारे में थोड़ा और इन डिटेल बता रखा है तो हम लोग अल बिरूनी से स्टार्ट करते हैं इन्होंने किताब उल हिंद लिखा था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो अल बिरूनी की अगर हम बात करें तो नाइन सेवन थ्री ईयर में ये बॉर्न हुए थे कहाँ बॉर्न हुए थे िसम में बॉर्न हुए थे जो कि आज के टाइम पर कहाँ पड़ता है उजबेकिस्तान में पड़ता है अब ये जो इलाका है ना ये लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ठीक है यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा लिटरेचर एजुकेशन इन सारी चीजों के लिए ये एरिया फेमस है तो अल बिरूनी को बचपन से ही बहुत बढ़िया एजुकेशन मिलती है काफी सारे लैंग्वेजेस आते थे इनको जैसे कि सीरिया अरेबिक ठीक है पर्शियन हिब्रू संस्कृत तो काफी सारे लैंग्वेजेस इनको आते थे इनफैक्ट इन्हें ग्रीक वर्क के बारे में भी पता था ठीक है ग्रीक वर्क के बारे में मतलब उस टाइम पे प्लाटो ने जो लिखा ठीक है अलग अलग ग्रीक फिलोसोफर्स ने जो लिखा ये इनको पता था अब ग्रीक भाषा इनको नहीं आती थी पर क्या था ग्रीक में जो भी इन लोगों ने लिखा था इसका ट्रांसलेशन अवेलेबल था अरेबिक में तो इस ट्रांसलेशन को पढ़कर इन्होंने बहुत सारी चीजें समझ ली थी ठीक है नेक्स्ट क्या होता है ईयर वन तक आते आते सुल्तान महमूद नाम के एक सुल्तान क्वार में अटैक कर देते हैं उस एरिया के ऊपर कब्जा कर लेते हैं सुल्तान महमूद क्या करते हैं बहुत सारे पोएट्स को यहाँ से उठाकर अपने शहर लेकर जाते हैं अपने कैपिटल लेकर जाते हैं उनमें से एक अल बिरूनी भी होते हैं तो सुल्तान महमूद इनके यहाँ पर अटैक करते हैं अल बिरूनी को उठा लेते हैं और भी बहुत सारे पोएट्स को उठाते हैं और वापस अपने कैपिटल में लेकर जाते हैं ठीक है तो उनके कैपिटल का नाम क्या था गजनी तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो मतलब देखा जाए तो अलबिरूनी एक हॉस्टेज थे राजा जबरदस्ती उन्हें उठाकर लेकर गए थे है ना तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वो हॉस्टेज थे पर बाद में उन्हें वो शहर अच्छा लगने लग जाता है वो अपने जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा उस शहर में बिताते हैं एंड एट द एज ऑफ सेवेंटी उनकी डेथ हो जाती है ठीक है तो ये मतलब अभी तुम्हें अलबिरूनी के जिंदगी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है कुछ टाइम के बाद क्या होता है जब ये गजनी में थे तब क्या होता है अलबिरूनी के साथ तो ये इंडिया को लेकर बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं ठीक है तो उस टाइम पर इंडिया की भी बहुत सारी बुक्स थी मैथ्स के ऊपर ठीक है एस्ट्रोनॉमी के ऊपर मेडिसिन के ऊपर एंड इन सबको अरेबिक में ट्रांसलेट भी कर दिया गया था तो हमारे हिसाब से अल बिरूनी ने इन किताबों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा जिसके वजह से इंडिया को लेकर उनका सडन इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है ठीक है नेक्स्ट क्या होता है कुछ टाइम के बाद आ, अल के जो राजा थे वो पंजाब के इलाके के ऊपर भी कब्जा कर लेते हैं ठीक है तो मे बी धीरे धीरे यहां से भी अल आ, इंडिया की तरफ थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाते हैं नेक्स्ट क्या होता है अल ने अपने जिंदगी के बहुत सारे ईयर्स को ब्राह्मण प्रीस्ट के साथ बिताया जहां से उन्होंने बहुत बढ़िया संस्कृत सीख ली होगी उन्होंने रिलीजियस चीजों के बारे में सीखा होगा फिलोसॉफिकल टेक्स्ट भी बहुत सारे पढ़े होंगे हमें एग्जैक्टली exactly क्लियर नहीं है कि अल बिरूनी ने कहा ट्रैवल करा पर हम अपने अंदाजे से मानते हैं कि पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन एरियाज में अल बिरूनी ने ज्यादा ट्रैवल करा होगा ठीक है जब ये ट्रैवल कर रहे थे तो इन्होंने ट्रैवल करते टाइम बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा ठीक है फॉर uh, एग्जाम्पल आप देखोगे अल बिरूनी का जो लिटरेचर है ना या फिर उस टाइम का जो लिटरेचर है उस टाइम के लिटरेचर में सहारा डेजर्ट रिवर वॉल्डा इन सारे चीजों के बारे में इन डिटेल लिखा जाता था ओके okay? चलो तो 1500 अगर हम इस ईयर की बात करें तो इंडिया तक तो अल बिरूनी के किताबें नहीं पहुंची होंगी पर हमारे अंदाजे से इंडिया के बाहर जो कंट्रीज थी वहां पर अल बिरूनी के कुछ कुछ किताबें इस टाइम तक पहुंच चुकी होगी चलो नेक्स्ट किताबुल हिंद के बारे में पढ़ते हैं तो अल बिरूनी ने एक किताब लिखी थी किताब उल हिंद ठीक है अरेबिक में लिखी गई थी एंड बहुत ही सिंपल और बहुत ही टू रीड भाषा में इन्होंने लिखा है सिंपल शब्दों में लिखा है काफी ज्यादा लिखा है इन्होंने ठीक है है चैप्टर्स चैप्टर्स हैं इस इस बुक में and इस 80 chapters में में एंड अलग अलग चीजों के बारे में बात करी जा रही रिलीजन के बारे में एस्ट्रोनॉमी के बारे में कल्चर के बारे में बेसिकली जो कुछ भी उन्होंने ऑब्जर्व करा इंडिया में वो सारी चीजें उन्होंने लिखी है अलग अलग चीजों के बारे में लिखा है ठीक है नेक्स्ट अलबिरूनी का ना एक अलग सा स्टाइल होता था ठीक है अल बिरूनी अक्सर क्या करते थे हमेशा नहीं पर अक्सर क्या करते थे वो जब एक चैप्टर स्टार्ट करते थे तो चैप्टर की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ होती थी एंड फिर उस चैप्टर में वो उस क्वेश्चन को आंसर करते थे तो ये स्टाइल हुआ करता था अलबिरूनी के लिखने का नेक्स्ट अलबिरूनी की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत सारे ट्रांसलेशन पढ़े थे अपनी जिंदगी में संस्कृत पाली प्राकृत ठीक है इन सबको लोग ट्रांसलेट करके अरेबिक में लिख दिया करते थे एंड बिरूनी ने इन ट्रांसलेशन को पढ़ रखा था पर अल बिरूनी ने यह भी बोला है अक्सर कि उन्हें ये ट्रांसलेशन उतनी अच्छी नहीं लगी एंड वो ये मानते थे कि अगर उन्हें कभी मौका मिला तो ये इन ट्रांसलेशंस को और बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे ठीक है तो ये हमारे अल बिरूनी के बारे में था आ, अब मुझे यहां तक बताओ क्लियर है सबको हाँ यार स्पैमिंग मत करो ठीक है हमारे यहाँ बेचारे ट्वेल्थ के बच्चे हैं उनका बोर्ड एग्जाम है कुछ दिन में उन्हें पढ़ाई करने दो ठीक है अन्वेषा क्लियर है ठीक है ट्यूबा आशीष क्लियर है रेखा मुस्कान क्लियर है शिवांगी ओके सबको क्लियर है बहुत बढ़िया वेरी गुड चिराग यश ध्रुव विशाल वेरी गुड आगे बढ़ते हैं ठीक है इबन बतूता के बारे में कुछ बात करते हैं ठीक है इन्होंने जो बुक लिखी थी उसे हम रीला कहते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा बात थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं तो इनकी जो बुक है रीला ये अरेबिक में लिखी गई थी ठीक है एंड इसमें क्या है फोर्टीन सेंचुरी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी फोर्टीन सेंचुरी में लोगों की लाइफ कैसी थी कल्चर कैसा था ये सब इस बुक में लिखा हुआ है ठीक है तो ये मोराकन ट्रैवलर थे नाम की जगह पर ये बॉर्न हुए थे एंड ये बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल और एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करते थे ठीक है इन्हें इस्लामिक लॉ के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी इनकी फैमिली में ही सबको इस्लामिक लॉ ठीक है जिसको शरिया बोला जाता है इस्लामिक रिलीजियस लॉ के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी इनको ठीक है नेक्स्ट क्या हुआ क्योंकि ये बहुत वेल नोन रिस्पेक्टेड फैमिली से आते थे तो बचपन से ही इनको बहुत बढ़िया एजुकेशन भी प्रोवाइड की गई ठीक है तो बचपन से ही इनको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया नेक्स्ट क्या था इबन बतूता का ये मानना था कि बुक्स इंपॉर्टेंट सोर्स तो है एजुकेशन का अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो बुक्स बढ़िया है पर बुक्स से भी बढ़िया क्या है ट्रैवल करना ठीक है तो इबन बतूता को ट्रैवल करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था एंड वो ये सोचकर ट्रैवल करते थे कि मैं किताबों से तो बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूं पर अगर मैं ट्रैवल करूंगा तो मुझे और ज्यादा चीज़ें पता चलेगी हमारे अंदाजे से इंडिया कब आएंगे थर्टीन थर्टी से लेकर 33 के अराउंड ये इंडिया आए थे ठीक है पर ऐसा नहीं था कि इससे पहले इन्होंने ट्रैवल नहीं कर रखा था इन्होंने इससे पहले भी ट्रैवल कर रखा था ये मैका तक जा रखे थे सीरिया इराक पर्शिया यमन ओमान इन सारे एरियाज में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रखा था ठीक है नेक्स्ट 1333 तक इबन बतूता सिंध पहुंच जाते हैं ठीक है तो सिंध जब ये पहुंचते हैं तो इन्होंने बहुत ज्यादा सुन रखा होता है यहाँ के राजा के बारे में मोहम्मद बिन तुगलक जो कि हमारे दिल्ली के सुल्तान थे तो इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होता है स्पेशली इबन बतूता इस चीज से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि जो सुल्तान है उन्हें आर्ट बहुत पसंद है ठीक है तो ये आर्ट को लेकर बहुत पैशनेट है इस चीज को लेकर इबन बतूता बहुत एक्साइटेड थे इंटरेस्टेड थे ठीक है नेक्स्ट जो सुल्तान है सुल्तान बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं इबन बतूता के नॉलेज से एंड क्या करते हैं उनको काजी की तरह जज की तरह अपॉइंट कर देते हैं ठीक है तो जब वो दिल्ली आते हैं तो सुल्तान इबन बतूता को जज की तरह अपने कोर्ट में अपॉइंट कर देते हैं काफी सालों तक यहाँ पर वो जज का काम करते हैं कुछ टाइम के बाद क्या होता है सुल्तान और इबन बतूता की लड़ाई हो जाती है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है सुल्तान बुरा मान जाते हैं एंड उनको जेल में डाल देते हैं कुछ टाइम तक कुछ टाइम के बाद ये लोग अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं और फिर से सुल्तान क्या करते हैं इबन बतूता को काम पे लगा देते हैं नेक्स्ट 1342 तक आते आते इबन बतूता को सुल्तान ऑर्डर करते हैं कि तुम चाइना जाओ ठीक है चाइना जाओ और वहां पे जो मंगोल राजा है उनसे बात कर कर आओ ठीक है मेरी जगह तुम चाइना जाओ एंड वहां के जो राजा हैं वहां से थोड़ी बातचीत कर कर आओ तो अब वैसे भी ट्रैवल करना तो पसंद है ही को तो ये ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं काफी टाइम तक ये चाइना में बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं आ, बीजिंग तक जाते हैं ये पर ये बहुत ज्यादा टाइम तक चाइना में नहीं रुकते ठीक है थर्टीन तक ये वापस घर आ जाते हैं इनका जो अकाउंट है ठीक है इतना ट्रैवल करने के बाद इन्होंने जो सारी चीजें लिखी इनके अकाउंट को हम मार्को पोलो ये भी एक मतलब ट्रैवलर थे उनके ट्रैवलर के अकाउंट के साथ अक्सर कंपेयर करते हैं क्योंकि ये दोनों ऐसे लोग थे जिन्होंने चाइना को विजिट कर रखा था ठीक है नेक्स्ट इबन बतूता के अगर आप अकाउंट को पढ़ोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा कि उस टाइम पे ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता था ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें ये बताया कि अगर आपको मुल्तान से दिल्ली तक जाना है तो आपको फोर्टी डेज लग जाते थे उस टाइम पर ठीक है और अगर आपको सिंध से दिल्ली जाना है तो आपको फिफ्टी डेज लग जाएंगे ठीक है नेक्स्ट ये भी बताया उन्होंने कि अगर आपको दौलताबाद से दिल्ली जाना है तो आपको फोर्टी डेज लगेंगे और अगर आपको ग्वालियर से दिल्ली जाना है तो आप ये दस दिन में ट्रैवलिंग कर सकते हो इवन बतूता के टाइम पे ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं होता था है ना आज के टाइम पर भी हम सुनते हैं जब लोग ट्रैवल करते हैं तो कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं उतना सेफ नहीं होता ट्रैवलिंग उस टाइम पर भी ट्रैवलिंग बिल्कुल सेफ नहीं था तो ऐसा भी हुआ है कि ईबन बतूता ट्रैवल कर रहे थे और ऐसा नहीं अकेले ट्रैवल कर रहे थे बहुत सारे लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे थे और रस्ते में क्या होता है इनका जो कार्ट होता है जिसपे ये लोग ट्रैवल कर रहे थे उसे बहुत सारे चोर रॉबर्स रोक लेते हैं एंड जितने लोग थे उन लोगों को लूट लिया जाता है बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है ठीक है इबन बतूता को मारा तो नहीं जाता पर हम इंजर इं, इंजरी बहुत ज्यादा होती है एंड इन्हें लूट लिया जाता है बहुत सारे रॉबर्स इन्हें रस्ते में रोक लेते थे ठीक है तो ये कब हुआ था जब ये एक दिन मुल्तान से लेकर दिल्ली तक ट्रेवल कर रहे थे तब ठीक है नेक्स्ट जैसे ही इबन बतूता वापस अपने घर पहुंचते हैं ना तो बहुत सारे लोग क्यूरियस थे ठीक है क्योंकि इतना ट्रैवल करके वो वापस आ रहे थे तो जैसे ही वो अब वापस अपने घर पहुंचते हैं तो उनके लोकल लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे उनकी कहानियां सुनने में तो लोकल लोग उनसे कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी कोई किताब लिखो या अपनी कहानियां हमें सुनाओ तो लोग बहुत क्यूरियस रहते थे ट्रैवल को लेकर ठीक है तो ये अभी हमने दो ट्रैवलर्स का छोटा छोटा इंट्रोडक्शन पढ़ा अब हम लोग जो फ्रांस वाले ट्रैवलर थे ना जिनके बारे में हमने पढ़ा था फ्रैंको बर्नियर के बारे में बात करते हैं वैसे एक डॉक्टर थे एंड इन्होंने थोड़ा कुछ अलग अलग लिखा था इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे आगे बढ़ने से पहले यहां तक क्लियर है क्या सबको हाँ हिस्ट्री सबका लास्ट एग्जाम है एक्सप्लोर करना मतलब किसी एक एरिया को घूमना सर्च करना ट्रैवल करना वहां पर उसे एक्सप्लोर करना कहते हैं हाँ हम लोग टाइमलाइन भी देखेंगे आशीष टेंशन नहीं लेना अन्वेशा मुस्कान लाइबा रश्मि हाय कैसे हो आप ध्रुव चलो सबको क्लियर है विशाल बहुत सारे फायर इमोजीज मुझे दिख रहे हैं बहुत बढ़िया नेक्स्ट ट्रैवलर ट्रेवलर बर्नियर के बारे में डिस्कस करते हैं ठीक है तो आ, एक टाइम ऐसा था इंडिया में जब पोर्चुगीज लोग हमारे इंडिया में आते हैं ठीक है कुछ वन थाउजेंड के अराउंड एंड ये सारे लोग हमारे इंडिया के कल्चर रिलीजन के बारे में बहुत सारी चीजें लिखते हैं ठीक है आ, इस टाइम के अराउंड एक पर्सन थे जेस्वी रोबोटो नोबिली ये क्या करते हैं ये बहुत सारी इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन भाषा में ट्रांसलेट भी करते हैं ठीक है पोर्चुज राइटर में एक और फेमस हमारे राइटर थे उनका नाम था दौरते बारबोसा ठीक है इन्होंने क्या करा इन्होंने साउथ इंडिया में जो ट्रेड होता था साउथ इंडिया की जो सोसाइटी थी उसके बारे में इन डिटेल लिखा था नेक्स्ट 1600 तक आते आते हम देखते हैं कि बहुत सारे डच इंग्लिश और फ्रेंच ट्रैवलर्स हमारे इंडिया में आना स्टार्ट कर देते हैं ट्रेड के पर्पज से इन्हीं में से एक फेमस फ्रेंच जूलर थे जिनका नाम था जॉन बैप्टिस्ट ठीक है ट्रेवनियर जॉन बैप्टाइस ट्रेवनियर इनका नाम था इन्होंने इंडिया को बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रखा था हमारे अंदाजे से कम से कम छह बार तो ये बार बार इंडिया आए थे ये इंडिया में ट्रेडिंग को लेकर बहुत ज्यादा फैसिनेटेड थे कि इंडिया दूर दूर के एम्पायर्स के साथ ट्रेड करता है तो इन्होंने ट्रेड के बारे में बहुत ज्यादा लिखा था इसी टाइम के अराउंड एक इटालियन डॉक्टर भी थे मैनुकी ठीक है अब ये इंडिया को लेकर इतना इंप्रेस थे कि ये कभी वापस यूरोप गए ही नहीं तो आपको थोड़ा आइडिया दिया जा रहा है कि दूर दूर से लोग इंडिया में आते थे ऐसे भी लोग थे जो इंडिया में इतना खुश थे कि ये वापस यूरोप जाते ही नहीं इंडिया में ही सेटल हो जाते हैं ठीक है तो ये मैंने कुछ कुछ तुम्हें आइडिया दिया अब वापस पॉइंट पे आते हैं फ्रेंकोइस बर्नियर के बारे में इन डिटेल डिस्कस करते हैं फ्रांस के थे ये डॉक्टर थे पॉलिटिशियंस थे ठीक है पॉलिटिकल फिलोसोफर थे हिस्टोरियन थे एंड इन्होंने मुगल एम्पायर के बारे में काफी कुछ लिखा है ठीक है इंडिया वैसे ये आए क्यों थे इन्हें लग रहा था कि अगर मैं मुगल एम्पायर में आऊंगा तो मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की इस इसी होप के साथ ये इंडिया आते हैं इंडिया में ये कुछ ट्वेल्व इयर्स बारह साल रुकते हैं सिक्सटीन फिफ्टी सिक्स से लेकर सिक्सटीन सिक्सटी एट के बीच में एंड मुगल कोर्ट में इन्होंने बहुत ज्यादा काम करा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ये प्रिंस दारा शिको के फिजिशियन थे डॉक्टर थे एंड ये प्रिंस कौन है प्रिंस दारा शिको कौन है शाहजहां पता है ना शाहजहां के सबसे एल्डेस्ट जो सन थे सबसे बड़ा जो सन था बेटा था उनका ये उनके ये डॉक्टर थे कुछ टाइम के बाद ये साइंटिस्ट की तरह भी काम करते हैं ठीक है मुगल कोर्ट में ही साइंटिस्ट की तरह इंटेलेक्चुअल की तरह ये काम करते हैं ये बेसिकली एक पेंटिंग है ठीक है बर्नियर की जिसमें इन्होंने अपने यूरोप के कपड़े पहने हुए हैं एंड मतलब ये कहीं पे बैठे हुए हैं आगे बढ़ते हैं अब बर्नियर के बारे में एक खास बात मैं आपको बताती हूँ बर्नियर ने जितनी भी चीजें लिखी है ना उसमें बेसिकली बर्नियर क्या कर रहे हैं ईस्ट और वेस्ट को कंपेयर कर रहे हैं अब ये फ्रांस से थे यूरोप से थे तो ये इंडिया में जो कुछ भी देखते थे उसे कंपेयर करते रहते थे कि यूरोप में तो भाई ऐसा नहीं होता था ठीक है तो अगर आप बर्नियर के अकाउंट्स को देखोगे ना तो इन्होंने बहुत सारी चीजें लुई फोर्टीन के बारे में लिखी है ठीक है जो उस टाइम पे फ्रांस के राजा थे ठीक है तो ये बस कंपैरिजन ही करते रहे ओके okay, नेक्स्ट आप ये भी देखोगे कि जो बर्नियर की किताबें हैं उसमें अक्सर इंडिया को इंफीरियर तरीके से लिखा जाता है तो बर्नियर हमेशा ऐसे लिखते थे कि मेरा यूरोप तो बढ़िया है इंडिया में ये ये कमियां हैं तो इस तरीके से ये लिखते थे नेक्स्ट हमने ये भी देखा कि बर्नियर ने जो कुछ भी लिखा ना वो सारी चीजें सुपर पॉपुलर थी बहुत ज्यादा तेजी के साथ वो पब्लिश हुई अब ये सारी चीजें हमने बाकी ऑथर्स के साथ नहीं देखी इबन बतूता के साथ नहीं देखी अल बिरूनी के साथ नहीं देखी उनके काम को ट्रांसलेट किया गया था ठीक है उनके काम भी फेमस थे पर आ, बर्नियर का जो काम था उसे पब्लिश किया जाता है वो कुछ ज्यादा ही फेमस था ठीक है चलो तो फ्रांस में इनका जो वर्क है वो सिक्सटीन के अराउंड पब्लिश कर दिया जाता है नेक्स्ट इन्होंने जो कुछ भी लिखा होता है उसे लोग ट्रांसलेट करने लग जाते हैं इंग्लिश डच और जर्मन में ठीक है 1670 से लेकर 1725 के बीच में आठ बार इनके काम को रिपब्लिश किया जाता है ठीक है नेक्स्ट 1684 में भी हम देखते हैं कि थ्री टाइम्स इंग्लिश में रिप्रिंट किया जाता है इनके काम को ठीक है तो मतलब ये डेटा सुन के तुम्हें थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि इनने इन्होंने जो कुछ भी लिखा था दैट वो सुपर फेमस ठीक है नेक्स्ट ये सारी चीजें हमने अरेबिक एंड पर्शियन राइटर्स के साथ नहीं देखी इनके कामों को प्रिंट नहीं करा जाता था बेसिकली इनका मैन्यूस्क्रिप्ट होता था ये लोग खुद लिखते थे अपने अकाउंट्स को एंड 1800 तक तो इनके काम को किसी ने पब्लिश किया भी नहीं था ठीक है चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड तो इसमें तुम्हें बताया जा रहा है कि जब कोई ट्रैवलर एक नए इलाके में जाता है एक नए कंट्री में जाता है तो उस एरिया के बारे में समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है वो उनके लिए एक एलियन वर्ल्ड की तरह होता है ठीक है तो आप खुद इमेजिन करो जैसे आ, अगर मैं कल को तुम्हें उठाकर फ्रांस भेज दू है ना और तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास एक हफ्ता है एक महीना है या चलो एक साल है तुम्हें फ्रांस के बारे में कुछ कुछ लिखकर मुझे बताना है तो तुम्हें कुछ कुछ दिक्कतें आएंगी ठीक है तो अल बिरूनी ने इन दिक्कतों के बारे में हमें समझाया कि जब तुम एक नए जगह पे ट्रैवल कर करने जाते हो एंड वहां के बारे में कुछ तुम सीखना चाहते हो लिखना चाहते हो तो कुछ कुछ दिक्कतें आती हैं ठीक है तो इन दिक्कतों को हम लोग बैरियर्स कह रहे हैं ठीक है क्या बैरियर्स थी अल बिरूनी के हिसाब से समझते हैं पहली दिक्कत क्या आएगी लैंग्वेज ठीक है जाहिर सी बात है अगर आप किसी नए जगह पर जाओगे तो हो सकता है वहां पे भाषा अलग हो तो एक दिक्कत आपको आएगी लैंग्वेज की ठीक है तो अल बिरूनी कहते थे कि संस्कृत जो है वो अरेबिक और पर्शियन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है तो उसे समझना और बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करना इन सारी चीजों में अल बिरूनी को दिक्कत आती थी दूसरी दिक्कत क्या आती थी रिलीजियस बिलीफ ठीक है अगर आप किसी नए एरिया में जाओगे तो आपको एहसास होगा कि आपके रिलीजियस beliefs एंड इन लोगों के रिलीजियस बिलीफ में बहुत ज्यादा फर्क है थर्ड आपको क्या दिक्कत आएगी कई बार क्या होता है जब हम किसी नए एरिया में ट्रैवल करते हैं तो वहां के जो लोग होते हैं वो बहुत जल्दी आपके साथ ओपन अप नहीं होंगे है ना अगर आप किसी नए एरिया में जाते हो तो वो जो लोग हैं वो अपने अपने में रहेंगे वो बहुत जल्दी किसी स्ट्रेंजर के साथ ओपन अप नहीं होंगे तो ये भी दिक्कत हमारे अलविरूनी ने कही कि ये दिक्कत भी होती थी ठीक है चलो तो वैसे तो अलविरूनी को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी संस्कृत में पर हमने देखा है कि अलविरूनी के बहुत सारे काम ऐसे हैं जहां पर इन्होंने संस्कृत के बहुत सारे टेक्स्ट को ट्रांसलेट करा है ठीक है नेक्स्ट अलविरूनी ने कास्ट सिस्टम को भी समझने की कोशिश करी ठीक है कास्ट सिस्टम के बारे में इन डिटेल हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था तो अल बिरूनी ने कास्ट सिस्टम को समझने के चक्कर में क्या करा पर्शिया के साथ कंपेयर करके देखा कि हाँ यार पर्शिया में भी ऐसा कोई सिस्टम तो हुआ करता था तो अल बिरूनी ने क्या करा पर्शिया के सिस्टम के साथ कंपेयर करा कास्ट सिस्टम को पर्शिया में भी क्या था सोसाइटी के लोगों को चार हिस्सों में बांट दिया गया था ठीक है कुछ लोग होते थे नाइट्स एंड प्रिंसेस ठीक है नाइट्स एंड प्रिंसेस एक कैटेगरी थी दूसरी कैटेगरी में कौन आता था रिलीजियस लोग मॉन्क ठीक है प्रीस्ट लॉयर्स ये सब तीसरी कैटेगरी में कौन आता था फिजिशियन यानी डॉक्टर्स एस्ट्रोनॉमर्स साइंटिस्ट ये सब और चौथी कैटेगरी में कौन आता था पेजेंट्स यानी फार्मर्स आर्टिस यानी क्राफ्टमैन ये सारे लोग ठीक है तो इस तरीके से अल बिरूनी ने सोशल डिफरेंसेस को कास्ट सिस्टम को समझने की कोशिश करी पर अल बिरूनी ने यह भी कहा कि अगर आप इस्लाम को उठाकर देखो तो इस्लाम में तो बोला जाता है कि सारे लोग बराबर हैं ठीक है कि सारे लोग इक्वल हैं ऐसा कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट अल बिरूनी ने एक और चीज कही हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि ब्राह्मण लोग ऐसा बोलते थे कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं ठीक है जो शूद्र हैं अगर ये किसी चीज को छू देंगे तो वो चीज पोल्यूट हो जाएगी तो इसके चलते इन्हें मंदिर में वेल well को छूने नहीं देते थे ये सारी चीजें मंदिर के अंदर नहीं जाने देते थे ये सारी चीजें हमने पढ़ी तो अल बिरूनी इस चीज के खिलाफ थे ठीक है कि ऐसे किसी चीज को छू लेने से पोल्यूशन नहीं होता अल बिरूनी ने ये भी कहा कि हमारा जो एनवायरमेंट है ना वो सेल्फ क्लीनिंग है आप देखोगे की जो अल बिरूनी ने यह कहा था कि जो सन है वो हवा को खुद साफ कर लेती है जो पानी है समुद्र का वो भी अपने आप को खुद साफ कर लेता है ठीक है तो अगर नेचर अपने आप को खुद साफ नहीं कर रहा होता तो अर्थ में लाइफ पॉसिबल होता ही नहीं ऐसा अलबिरूनी ने कहा तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं मानते थे कि किसी के किसी चीज को छू देने से वो चीज पोल्यूट हो जाती है ठीक है नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट तुम्हें ये चीज समझाई जा रही है कि जब अलबिरूनी संस्कृत में ये सारी चीजें पढ़ते होंगे ना तो उन्हें पढ़कर लगता होगा कि ये रूल्स तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत बेकार रूल्स हैं जो कि सच है मैं कास्ट सिस्टम को डिफेंड नहीं कर रही पर हमारे बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि बुक्स में तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चीजें लिखी हुई होती हैं पर अगर आप सोसाइटी में ऑब्जर्व करो तो सोसाइटी में उतने स्ट्रिक्टनेस के साथ कास्ट सिस्टम को शायद नहीं फॉलो किया जाता था एक एग्जाम्पल दे रखा है एनसीआरटी में इस चीज का एक कम्युनिटी होती है कैटेगरी होती है जिसको अंत्यजय कहा जाता है ठीक है तो अंत्यजय लोग ऐसा माना जाता है कि ये सिस्टम के बाहर के लोग हैं ठीक है थीके? पर सोसाइटी में इनको मौका दिया जाता है काम करने का ठीक है तो ऐसा माना जाता है कि अंत्यजय लोग जो हैं इन्हें एंड जमींदार के लिए काम करना होता है तो इन्हें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दी जाती है ठीक है तो तुम्हें बस एक एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं कि शायद उतना अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे क्योंकि उन्होंने सब कुछ किताबों से पढ़ा एंड मे बी उन्होंने रियल जो चीज चल रही थी सोसाइटी में उसे उतने अच्छे से वो ऑब्जर्व नहीं कर पाए ठीक है नेक्स्ट इबन बतूता के बारे में आपको बताया जा रहा है थोड़ा सा ठीक है कि इबन बतूता जब कोई ऐसी चीज देखते थे ना जो उन्हें अपने कंट्री में या अपने शहर में देखने को नहीं मिलती थी तो वो अपने किताबों में उसे बहुत इन डिटेल लिखते थे इसका एक एग्जाम्पल है कोकोनेट एंड पान ठीक है तो कोकोनेट एंड पान ये दोनों ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इबन बतूता ने अपने इलाके में अपने कंट्री में कभी नहीं देखे थे तो इबन बतूता ने क्या करा बहुत डिटेल के साथ इन दो प्लांट्स के बारे में लिखा ठीक है कि ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मेरे घर पे मेरे लोगों ने नहीं देखा होगा तो उन्होंने बहुत इन डिटेल कोकोनट एंड पान के बारे में लिखा था ठीक है नेक्स्ट इबन बतूता ने इंडिया के शहरों के बारे में कैसे लिखा ठीक है तो इबन बतूता की कहानियों में हमारे शहर बहुत एक्साइटिंग होते थे आप उनके कहानियों में पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे जो शहर हैं वो बहुत कलरफुल हैं बहुत सारे रिसोर्सेज हैं यहाँ के लोगों में बहुत सारे स्किल्स हैं ठीक है यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है ऐसा आपको लगेगा ठीक है इबन बतूता ज्यादातर शहरों के बारे में ऐसा लिखते हैं कि यहाँ के शहर बहुत ब्राइट हैं यहाँ पे जो मार्केट्स होते हैं वहाँ पे बहुत भीड़ होती है कलरफुल मार्केट्स होते हैं यहाँ के मार्केट्स में आपको अलग अलग टाइप के सामान मिल जाएंगे ठीक है इबन बतूता ने दिल्ली के बारे में भी लिखा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उन्हें उन्होंने ये लिखा कि शायद इंडिया में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली में है उन्होंने दौलताबाद के बारे में भी बहुत ज़्यादा लिखा जो कि आज के टाइम पे महाराष्ट्र में पड़ता है ठीक है एंड उन्होंने ये भी समझाया कि दिल्ली जैसे इलाकों में बाजार का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि सामान बिक रहा है ठीक है यहाँ पर बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज भी होती हैं ज़्यादातर बाजार में आप देखोगे मस्जिद भी होता था टेम्पल भी होता था एंड यहाँ पर लोग जाते थे प्रेयर्स करते थे मार्केट्स में बाजार में डांसर्स भी होते थे म्यूजिशियंस भी होते थे सिंगर्स भी होते थे तो ऐसा नहीं है कि बाजार में सिर्फ ट्रेड या इकोनॉमिक चीजें चलती थी कल्चरल चीजें भी होती थी इबन बतूता का मानना था कि इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है यहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल है इबन बतूता ने अपने अकाउंट्स में ये भी लिखा कि यहाँ के लोग क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं पूरे साल में दो टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं नेक्स्ट इन्होंने हमारे ट्रेड की भी बहुत ज्यादा तारीफ करी कि हम लोग आ, हमारे नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हैं हम लोग वेस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं एंड हम लोग बहुत ज्यादा ट्रेड यहाँ पर करते हैं इबन बतूता ने हमारे टेक्सटाइल्स कपड़ों के बारे में भी लिखा कि इंडिया में कॉटन मसलिन एक टाइप का कपड़ा होता है सिल्क सैटिन ठीक है ये सारी चीजें बहुत अच्छे क्वालिटी की मिलती हैं इबन बतूता ने ये तक बताया कि इंडिया में एक टाइप का मसलिन होता है एक टाइप का कपड़ा होता है जो इतना महंगा होता है कि सिर्फ बहुत रिच रिच राजा लोग ही उस कपड़े को पहन पाते हैं कोई और नहीं पहनता ठीक है नेक्स्ट इबन बतूता ने ना हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम की भी तारीफ करी थी ठीक है पोस्टल सिस्टम की भी तारीफ करी थी एक और चीज जो कि इबन बतूता ने देखी वो ये थी कि हम लोग क्या करते थे अपने ट्रेड रूट में बहुत सारे गेस्ट हाउस बनाकर रखते थे तो अगर कोई इंडिया में ट्रेड करने के लिए आया है तो हम उनके लिए बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे गेस्ट हाउस भी बनाकर रखते थे ठीक है पोस्टल सिस्टम के बारे में इन्होंने क्या बो, बोला पोस्टल सिस्टम के बारे में ये बोला कि हमारा पोस्टल सिस्टम इतना अच्छा था कि हम दूर दूर तक कम्युनिकेट कर पाते थे एक एग्जाम्पल दिया इबन बतूता ने जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से लेकर सिंध तक अगर आपको ट्रैवल करना हो तो आपको फिफ्टी डेज लग जाते थे ठीक है पर हमारा पोस्टल सिस्टम इतना बढ़िया था कि मान लो कि कोई अ स्पाई आ गया कोई जासूस आ गया है ठीक है तो सुल्तान को पोस्टल सिस्टम के थ्रू ये चीज सिर्फ पांच दिन में पता लग जाती थी ठीक है तो इस ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू थ्रून बतूता ने हमारे पोस्टल सिस्टम की भी बहुत ज्यादा तारीफ करी ठीक है तो अभी दो ट्रेवलर्स के बारे में पढ़ लिया हमने बर्नियर के बारे में पढ़ते हैं मैंने तुम्हें बार बार बताया कि बर्नियर बेसिकली क्या करते थे यूरोप की कंडीशन और इंडिया के कंडीशन को कंपेयर करते थे एंड उनके हर एक अकाउंट में आप देखोगे कि यूरोप को ऊंचा दिखाया जा रहा है और हमारे कंट्री को थोड़ा नीचा दिखाया जा रहा है ठीक है तो ये ना मतलब इस तरीके से लिखते थे आ, इनको ऐसा लगता था कि अगर मैं इंडिया को क्रिटिसाइज करूंगा तो जो लोग इसे पढ़ रहे हैं वो पॉलिसीज को बदलेंगे वो बदलाव लेकर आएंगे तो ये सारी चीजें सोचते हुए वो अपने अकाउंट्स में लिखते थे ठीक है ही ऑल्सो ऑर्डर्ड दर्सीव डिफरेंसिस ठीक है ये बोला जा रहा है अगेन कि इबन इतूतानी वर्न बर्नियर क्या करते थे ये अगेन बहुत ज्यादा नीचा दिखाते थे हमारी कंट्री को ठीक है ये मुगल इंडिया को कंटेम्प्रेरी यूरोप के साथ कंपेयर करते थे एंड इनके नजरिए से यूरोप मुगल इंडिया से बहुत ज्यादा बेटर था ठीक है कैसे बेटर था तो बर्नियर ने अपने अकाउंट्स में कुछ कुछ दिक्कतें पॉइंट करी हैं कुछ कुछ चीजों को क्रिटिसाइज करा है तो उनके क्रिटिसिज्म को पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो बर्नियर ने ये कहा कि हमारे यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता ये बहुत बड़ी दिक्कत है ऐसा बर्नियर का मानना था तो बर्नियर क्या मानते थे कि हमारे यहाँ क्या होता है जो भी जमीन है जिसके ऊपर फार्मिंग करी जा रही है वो सारी जमीन राजा की है और राजा फार्मर्स को बहुत परेशान करते हैं बहुत दुखी कर कर रखते हैं और फार्मर्स राजा से परेशान हैं। इस तरीके से उन्होंने अपने अकाउंट में लिखा है उन्होंने ये भी लिखा कि अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी दे दो फार्मर्स को तो फिर फार्मर्स क्या कर पाएंगे प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर होगी फार्मर की तो फार्मर क्या कर पाएगा वो जमीन अपने बेटे को भी या फिर अपने बच्चों को भी दे पाएगा है है ना ना तो तो ऐसे में जब खुद की जमीन जमीन होती है न, तो लोग और दिल से से काम करते हैं कि मुझे इस जमीन का अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि कुछ सालों के बाद ये जमीन मुझे अपने बच्चों को दे देनी है पर आ, बर्नियर ने कहा कि क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट लैंड का कॉन्सेप्ट नहीं था तो फार्मर्स उतना दिल से जमीन का ध्यान रखते नहीं होंगे ठीक है नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा कि कोई अच्छा सिस्टम नहीं था एग्रीकल्चर का जिसके वजह से क्या था सिर्फ एरिस्टोक्रेट्स खुश थे ठीक है मुगल इंडिया में सिर्फ जो जो रिच लोग थे, जो राजा लोग थे 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 राजा वो खुश थे, फार्मर्स बहुत ज्यादा परेशान नेक्स्ट और क्या बुराई करी बर्नियर ने हमारी बर्नियर ने कहा कि इंडिया में मिडिल क्लास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था या तो लोग बहुत ज्यादा अमीर होते थे राजा रानी की तरह या तो लोग बहुत ज्यादा गरीब होते थे और परेशान होते थे ठीक है ये सारी चीजें बर्नियर ने कही नेक्स्ट बर्नियर ने बर्नियर ने मतलब बेसिकली बुराइयां करी है हमारी ठीक है बर्नियर ने और क्या लिखा कि मुगल राजा तो एक ऐसे साम्राज्य के राजा थे जहां पे बेगर्स थे जहां पे गरीब लोग थे जहां पे पोल्यूशन था जहां पे हर जगह बस फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट था बुशेस थे जहां पे हर जगह पेस्ट थे ठीक है तो उन्होंने बहुत ज्यादा बुराई करी और जब इनसे पूछा जाता था कि आपको क्या कारण लगता है कि इंडिया में इतन, इतनी बुरी चीजें क्यों है तो उनके पास एक ही जवाब रहता था क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप नहीं है जमीन का जमीन को राजा ओन करते हैं इसीलिए इतनी सारी दिक्कतें चल रही हैं ठीक है थीके? तो ये बर्नियर का मानना था ठीक है अब ये जो सारी चीजें इन्होंने लिखी है ना दे वर नॉट कंप्लीटली ट्रू ठीक है तो बेसिकली हमारे मुगल साम्राज्य में क्या सिस्टम रहता था मान लो राजा है एंड राजा इस पूरे इलाके के ठीक है इस पूरे इलाके को संभाल रहे हैं इस पूरे इलाके के मान लो एक राजा है ठीक है तो बेसिकली ऐसा माना जाता था कि क्योंकि राजा इस पूरे इलाके को संभाल रहे हैं तो अगर इस इलाके में आकर कोई रहना चाहता है घर बसाना चाहता है तो उसे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन राजा को देना पड़ेगा तो अगर यहाँ पे आकर कोई फार्मर रह, रह रहा है तो फार्मर को क्या करना होगा खेती का कुछ हिस्सा राजा को देना पड़ेगा ठीक है तो इस आइडिया के साथ हमारा मुगल साम्राज्य काम करता था एंड बर्नियर ने क्या करा इस चीज को रेंट के साथ कंपेयर करा ठीक है तो यूरोप में रेंट का जो कॉन्सेप्ट था उसके साथ कंपेयर करा कि राजा तो क्या करते हैं बहुत भारी भारी रेंट या फिर टैक्स लोगों से कलेक्ट करते हैं और लोग राजा से बहुत ज्यादा परेशान हैं इस तरीके से बर्नियर ने बोलना स्टार्ट करा ठीक है नेक्स्ट बर्नियर जो बुराइयां करते थे ना हमारे इंडिया के बारे में वो बाकी राइटर्स से भी इंस्पायर्ड थे ठीक है तो और भी कुछ राइटर्स थे जो इंडिया की बुराई करते थे बर्नियर ने उनसे भी इंस्पिरेशन ली जैसे कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे मोन्टेस्क्यो नाम था उनका आपने क्लास नाइन्थ में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा ठीक है तो जो मॉन्टेस्क्यू थे उन्होंने भी हमारे इंडिया के बारे में बहुत बुराइयां करी थी ठीक है तो बेसिकली मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि यहाँ के जो लोग हैं वो गरीबी में फंसे हुए हैं राजा उनको बहुत परेशान करके रखते हैं सिमिलरली नाइनटीन सेंचुरी में जब मार्क्स आए तो मार्क्स ने भी इंडिया के बारे में बहुत कुछ कहा ठीक है उन्होंने कहा कि इंडिया में जो पूरा सिस्टम है उसमें राजा का इतना ज्यादा कंट्रोल है कि वहां का पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया है काल मार्क्स ने कहा कि हमारा जो सिस्टम है वो स्टैगनेंट सिस्टम है स्टैगनेंट सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही ठीक है पर हां ये लोग ऐसी सारी चीजें बोलते तो थे पर ये सारी चीजें एंटायरली ट्रू नहीं थी ओके नेक्स्ट बर्नियर ने और क्या बोला बर्नियर ने बोला कि हमारे यहाँ जितने भी क्राफ्टमैन हैं उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है अपने क्राफ्ट को और इम्प्रूव करने का ठीक है उन्होंने बोला कि यहाँ पे जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो नुकसान में चल रहे हैं उनके यहाँ कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा एक तरफ उन्होंने ये सारी बुराइयां करी दूसरी तरफ उन्होंने ये भी नोट करा कि इंडिया में क्या होता है इंडिया में दूर दूर से सोना सिल्वर ये सारे प्रेशियस मेटल्स आते हैं और इंडिया का सामान बाकी कंट्री में एक्सपोर्ट करा जाता है ठीक है नेक्स्ट उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया में बहुत सारे मर्चेंट्स थे जो कि क्या करते थे दूर दूर के देश के साथ ट्रेड किया करते थे ओके okay? तो लाइक आई सेड ऐसा नहीं है कि एंटायरली जो भी बर्नियर बोल रहे थे कि इंडिया तो इतना बेकार है इतना भी बेकार नहीं था जितना बर्नियर बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे थे इनफैक्ट अगर आप सेवनटीन सेंचुरी की बात करो तो सेंचुरी में हमारे इंडिया में फिफ्टीन परसेंट जो पॉपुलेशन थी वो शहरों में रहती थी ठीक है और इतना इतना ज्यादा पॉपुलेशन तो शहरों में वेस्टर्न यूरोप में भी नहीं रहती थी तो इतना भी हम लोग कुछ पीछे नहीं चल रहे थे यूरोप से ठीक है बर्नियर अक्सर पता है क्या करते थे जो भी मुगल शहर थे ना वो उनको कैंप टाउन्स कहते थे टाउन का क्या मतलब है कोई एक ऐसा इलाका जहां पे राजा ने कब्जा कर लिया है और तुम्हें राजा के नीचे ही काम करना होगा राजा से पूछ पूछ कर ही काम करना होगा ठीक है पर हाँ सब कुछ ऐसा नहीं था जैसा बर्नियर बोल रहे थे बहुत सारे लोग होते थे जो राजा से हटकर कुछ अपना खुद का काम कर रहे होते थे जैसे कि मर्चेंट कम्युनिटी तो मर्चेंट कम्युनिटी क्या करते थे ये लोग आपस में एक ग्रुप बना लेते थे जैसे वेस्टर्न इंडिया में एक ग्रुप था ऐसे ग्रुप को हम कहते थे महाजन महाजन के जो लीडर होते थे ना उनको हम कहते थे सेठ ठीक है तो इस तरीके से इनका सिस्टम काम करता था कुछ अर्बन शहर भी थे अहमदाबाद में तो यहाँ पे जो कम्युनिटीज होती थी मर्चेंट की वहां के जो लीडर होते थे उनका नाम होता था नगर सेठ ठीक है तो जो ट्रेडिंग क्लास की कम्युनिटी है जो मर्चेंट कम्युनिटीज है ऐसा नहीं है कि वो राजा के नीचे डर डर के काम करते थे ये लोग अपना खुद का बिजनेस करते थे इनके अलावा भी कुछ लोग थे जो राजा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे ठीक है जैसे कि हमारे फिजिशियंस हो गए टीचर्स हो गए लॉयर्स हो गए ठीक है आर्किटेक्ट्स हो गए म्यूजिशियंस हो गए पेंटर्स हो गए कैलीग्राफर्स हो गए ये सब अपना अपना काम करते थे अगर राजा ने बुलाया तो राजा के पास भी जाते थे काम करने के लिए ठीक है पर अक्सर अगर इन्हें अपना काम करना होता था शहर में किसी का ध्यान रखना होता था तो ये लोग ये सारी चीजें भी करते थे ठीक है नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है विमेन स्लेव्स सती एंड लेबरर्स तो इस टाइम के अराउंड स्लेव्स होते थे सती सिस्टम होता था लेबरर्स होते थे इन सब के बारे में लोगों ने अपने अकाउंट में कैसे लिखा वो समझते हैं तो काफी सारे तो ट्रैवलर्स ऐसे थे जिन्होंने इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा लिखा नहीं क्योंकि बहुत सारे ट्रैवलर्स को लगता था कि यार ये तो बहुत ही नेचुरल बहुत ही साधारण सी चीज है क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये सारी चीजें इंडिया में ही चल रही थी स्लेव सिस्टम की अगर मैं बात करूं लेबरर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीजें बाकी कंट्रीज में भी चल रही थी तो बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने इस चीज के बारे में अपने अकाउंट में ज्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखा इबन बतूता के बारे में आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है जब इबन बतूता सिंध में आए तो वो सुल्तान के लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं वो कुछ हॉर्स खरीदते हैं कैमल खरीदते हैं और वो खुद कुछ स्लेव्स को खरीदते हैं और सुल्तान को दे देते हैं ठीक है इबन बतूता ने अपने अकाउंट में हमें ये समझाने की कोशिश करी कि स्लेव्स इस टाइम पर क्या करते थे उन्होंने बताया कि स्लेव्स जो किंग के यहाँ काम करते थे उन्हें काफी सारी चीजें आती थी उनमें से काफी सारे स्लेव्स ऐसे होते थे जो अच्छे म्यूजिशियंस होते थे जो अच्छे डांसर्स होते थे अगर कोई बाहर से आया है राजा के कोर्ट में तो वो उनको एंटरटेन करते थे बहुत सारे स्लेव्स ऐसे भी थे जो मतलब डोमेस्टिक लेबर मतलब आ मान लो महल साफ करना महल का ध्यान रखना ये सारी चीजें भी करते थे तो ये सारी चीजें इबन बतूता ने हमें बताई कि ये सारी चीजें होती थी स्लेव्स को पता और कैसे यूज करते थे राजा लोग मान लो कोई पालकी उठानी है कोई डोली उठानी है तब स्लेव्स को यूज करा जाता था इबन बतूता ने ये भी बताया कि स्लेव्स को खरीदना इतना कुछ एक्सपेंसिव नहीं होता था तो अगर आपको किसी डोमेस्टिक काम के लिए घर के काम के लिए कोई स्लेव चाहिए तो आप सस्ते में खरीद सकते थे एंड जितने भी रिच लोग होते थे अक्सर उनके घर में दो स्लेव्स तो हुआ करते थे ऐसा इबन बतूता ने हमें बताया नेक्स्ट Not surprisingly, ठीक है हम बिल्कुल सरप्राइज नहीं थे कि बर्नियर ने क्या करा सती सिस्टम के बारे में लिखा ठीक है वैसे मतलब बर्नियर तो इन जनरल उन्होंने इंडिया की कोई तारीफ करी ही नहीं ठीक है तो सती सिस्टम के बारे में जब उन्हें पता लगता है तो वो उसके बारे में भी लिखते हैं ठीक है तो सती सिस्टम के बारे में बर्नियर ये ऐसा लिखते हैं कि कुछ विमेन ऐसी थी जो चेयरफुली खुशी खुशी सती सिस्टम को मान लेती थी एंड बहुत सारी वुमेन ऐसी थी जिनको जबरदस्ती मार दिया जाता था ऐसा बर्नियर ने बोला ठीक है नेक्स्ट बर्नियर ने सती सिस्टम को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके बोला ठीक है अब देखो सती सिस्टम था बहुत गलत सिस्टम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बहुत ही बेकार सिस्टम था हटा भी दिया जाता उसे है ना पर बर्नियर देखो उनके अकाउंट का मेन पर्पस था कि इंडिया को क्रिटिसाइज करना इंडिया को ऐसा दिखाना है कि ये तो यूरोप से बहुत नीचे है इस चक्कर में वो वुमेन के बाकी एस्पेक्ट को लिखना ही भूल गए ऐसा नहीं है कि विमेन मतलब सिर्फ सती ही उनके जिंदगी का एक पार्ट था हमारी विमेन इस टाइम पर और भी बहुत सारी चीजें कर रही थी जो कि बर्नियर लिख सकते थे ठीक है जैसे विमेन एग्रीकल्चर में पार्ट लेती थी नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी पार्ट लेती थी बहुत सारी विमेन जो की ट्रेडिंग फैमिली से मर्चेंट फैमिली से आती थी वो कमर्शियल एक्टिविटीज में पार्ट लेती थी ठीक है कोर्ट ऑफ लॉ में भी वुमेन इन्वॉल्व रहती थी ठीक है तो ये सारी चीजें भी हमारी वुमेन ने करी हैं जो कि बर्नियर ने इन डिटेल अपने अकाउंट्स में नहीं बताया है इसी के साथ तुम लोगों का ये चैप्टर फिनिश होता है ठीक है काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था तुम्हें बेसिकली ये पता लगा कि अलग अलग जो ट्रेवलर्स आए उन्होंने इंडिया के बारे में क्या लिखा ठीक है तो आई होप अब ये चैप्टर तुम्हारे लिए सुपर क्लियर है आ... यस yes, दीदी क्लास एट से हाँ क्लास एट से पढ़ते आ रहे हो हम्म वेरी गुड चलो तो सबको क्लियर है बहुत ही बढ़िया तो अब हम क्या करेंगे अब हम लोग मिलेंगे शाम को छह बजे ठीक है शाम को छह बजे क्या करेंगे सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे अभी तुम्हारे सेकेंड बुक का एक चैप्टर मैंने कवर करा दिया शाम को छह बजे मिलना एक और चैप्टर हम लोग कवर करके निपटा देंगे ठीक है तो अगर तुम्हें लगा कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड और भी कंटेंट आप लोगों को मिलता रहे एंड इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे ह्यूमैनिटीज के क्लासमेट्स को बताओ कि इस चैनल पर क्लास इलेवन क्लास ट्वेल्थ ह्यूमैनिटीज की भी प्रिपरेशन होती है ठीक है एंड अगेन अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो शो सम लव एंड सपोर्ट इन कमेंट सेक्शन चलो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही करते हैं पर यहां जितने भी बच्चे हैं एकदम टाइम से छह बजे पहुंच जाना छह बजे हम लोग अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ओके okay. चलो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर नाउ अभी के लिए इतना ही मिलते हैं अपने छह बजे वाली क्लास में टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू